प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सारिआं दा अज दे इस ऑनलाइन लैक्चर दे विच स्वागत है। अज आपां तुहाडी क्लास प्लस वन दा जिहड़ा चैप्टर फोर्थ है प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वह करन जा रहे हैं। बच्चों, इस प्रिंसीपल दे विच अपने कोले तीन क स्टैप है जिन्हां नूं आपां वो थ्री स्टैप्स नूं लैके जिहड़ा आपां अपना क्वेश्चन है जिहड़ा वह प्रूव करिआ करांगे। इन दे विच आपां नूं एक स्टेटमेंट गिवन होएगी, ठीक है। वो स्टेटमेंट जिहड़ी है आपां वेरीफाई करनी होएगी भी ट्रू है फॉर ऑल एन बिलोंगस टू नैचुरल नंबर। इन्हें मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे के समझाना ये प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपां किवें अप्लाई करना। आपां लोअर क्लास दे विच टेंथ दे विच आपां एक रिजल्ट पढ़िया आया एन सम ऑफ ऑल नैचुरल नंबर वह इन्हें इक्वल हुंदा, ठीक है। ये आपां अरिथमैटिक प्रोग्रेशन दा जिहड़ा सम हुंदा सम दा फॉर्मूला हुंदा उहनूं लै के प्रूव कीता है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे तुहाडे कोल ए वन है, डी है जिहड़ी उह टू माइनस वन वन है, ठीक है। तो एन इत्थे एन ही है, एस एन दा फॉर्मूला आपां की पढ़िया होया एन बाय टू ए प्लस एल, एन इत्थे नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, ए इत्थे तुहाडे कोल वन ही है, तो लास्ट टर्म की है एन। सो बच्चो, ये रिजल्ट तो आपां टेंथ दे विच कीता होया, ठीक है। हुण यूजिंग इंडक्शन इहनूं आपां किवें करांगे, ठीक है, ध्यान नाल देखना इहनूं। हुण यूजिंग पी एम आई, ठीक है, आपां जिहड़ा ये रिजल्ट प्रूव करन जा रहे हैं ये जिहड़ा टू होगा फॉर ऑल एन बिलोंगस टू नैचुरल नंबर। ये ध्यान नाल तुसीं इहदे विच अपने कोल फस्ट स्टैप है एंड द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। सब तो पहला स्टैप अपने कोल की होगा जिहड़ी आपां नूं स्टेटमेंट गिवन आ स्टेटमेंट गिवन अपनी है पी एन है, ठीक है। हुण सब तो पहला स्टैप की होगा अपना सब तो पहला स्टैप है अपना बच्चे सब तो पहला स्टैप की है बच्चे अपने को पुट एन इज इक्वल्स टू वन। आप लैफ्ट हैंड साइड दे विच एन वन है जी, जा कह लो इनू आप दो तरीके ना लिख सकते हैं, जहाँ तो आ जी लास्ट टर्म है, ठीक है, अपने को एंथ टर्म है जी, ठीक है, वह एन है, तो अपने को जी फस्ट टर्म है वह वन आजगी लैफ्ट हैंड साइड। इन फस्ट टर्म देख लो की है वन, ठीक है। एक तरीका तो यह जे फिल कर लो वैल्यू एन दे, ठीक है, वन लैफ्ट हैंड साइड वन आ गई, राइट हैंड साइड है जी अपने को स्टेटमेंट की उनके एन वन फिल करो, इतें भी एन वन फिल हो जूगा, इतें भी एन वन टू अपॉन टू वन आ गया, लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई अपने को, कहने का मतलब की होया देयरफोर रिजल्ट इज टू फॉर एन इज इक्वल्स टू वन, ठीक है जी। अगे सैकेंड स्टैप तो चलते हैं जिहड़ा अपने को पी एम आई का सैकेंड स्टैप है। इन दे विच आपां की करना है लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के वेयर के इज लैस दैन एन, ठीक है। ये आपां रिजल्ट मान लेना मैं भी एन इज इक्वल्स टू के वास्ते ट्रू होगा। अपने को जिहड़ी स्टेटमेंट गिवन हुई उनके आपां एन की जगह पर के फिल कर लेना, जो भी आपां क्वेश्चन दे विच रकम गिवन हुई, जिथे एन बाकी सारिया टर्म्स एज इट इज़ आ जाण एज इट इज़ आ जाणगियां, जिथे एन हुई अपने को उत्थे एन नूं के फिल कर देना, ठीक है। इधर देखियो अपने को आ स्टेटमेंट सी जिथे एन आई उत्थे आपां के फिल कर देना। सो दोबारा फिर मैं तुहानूं दिखा दां इत्थे एन दी जगह ते आपां की फिल कर लेना के, इत्थे भी के लैफ्ट हैंड साइड च भी जिथे एन आई उत्थे के, राइट हैंड साइड च भी जिथे जिथे एन आई है उत्थे उत्थे के फिल कर लेना, ठीक है।
सो ये अपना सैकेंड स्टैप हो गया। ठीक है, थर्ड अपने को लास्ट स्टैप है PMI का। इन्हें विच की करेंगे अपन, नाउ वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। जिहड़ा रिजल्ट है वह एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन वास्ते जिहड़ा की है ट्रू अपना प्रूव करना है। ठीक है, सो इन्दे विच की है सब तो पहला अपना कि चीज़ प्रूव करनी है, जिहड़ी स्टेटमेंट गिवन है उन्दे विच अपना एन नू रिप्लेस कर देना के प्लस वन नाल। ठीक है, वन प्लस टू प्लस थ्री सो ऑन, एन की जगह जिते एन आई उत्थे के प्लस वन। इधर भी एन अपने को एन एन प्लस वन अपॉन टू सीगा, इत्थे एन की जगह के प्लस वन, इत्थे अंदर भी एन की जगह के प्लस वन, एक प्लस वन ऑलरेडी पिया वा। सो कह मतलब ये अपने को बन गया के प्लस वन तो के प्लस टू अपॉन टू बन गया। ठीक है, ये अपना चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, सो इन आप लैफ्ट हैंड साइड लैके चलिया करा, इनू इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। सो जो ये तिने स्टैप सैटिस्फाई हो गए तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये जी स्टेटमेंट है ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल एन बिलोंगस टू नैचुरल नंबर। ठीक है, सो इन आप लैफ्ट हैंड साइड लैके चलते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री सो ऑन के प्लस वन। हुण बच्चे ये के प्लस वन है, के प्लस वन तो पहला कि टर्म आऊगी अपने को, के टर्म आऊगी। ठीक है, जिमें तीन तो पहला दो आता पाया। ठीक है, जे मैं के तो पहला पूछा कि आऊगी के माइनस वन, के तो बाद कि होंगी है के प्लस वन, इन्हें तो पहला कि आऊगी के माइनस टू। ठीक है, सो मतलब ये अपने को सक्सैसर तो प्रीडिसेसर जोड़े आप प्रीडिसेसर आप एक माइनस करके करते हैं वही चीज़ है इतने। ठीक है, के प्लस वन तो पहला कि टर्म आऊगी के। हूँ अपने को आलवेज सैकंड स्टैप के जी इस टर्म की जी मैं अंडरलाइन की है इस टर्म की वैल्यू गिवन होगी। सैकंड स्टैप के आप ज्यूम किया वा जो रिजल्ट है वह वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू के केंद्र इक्वल है के के प्लस वन अपॉन टू दे। सो अपने को यूजिंग जो सैकंड स्टैप, ठीक है, इनकी वैल्यू की आजगी के के प्लस वन अपॉन टू तो प्लस के प्लस वन। ठीक है, फ्रॉम स्टैप टू। ठीक है, हूँ इन्हें पिछों कॉमन की आ रहा, के प्लस वन कॉमन आ रहा। ठीक है, अंदर की बच गया के बाय टू अपॉन वन बच गया, इन सिंपलीफाई करिए एलसीएम टू आ गया, के प्लस वन सॉरी के प्लस टू आ जाना इतने, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा जो यही आप बच्चे प्रूव करना सीगा। ठीक है, सो आप जिहड़े एक्सरसाइज के सामने इस तरह आप प्रूव कराया करांगे। ठीक है, सो इन्दे विच थोड़ा जिहा हुण की हो गया, ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, आपां आ चीज़ प्रूव करनी सीगी। ठीक है, आ जिहड़ी इन्दे इक्वल प्रूव कर लिया आपां, हुण दस अपने कोले की है रिजल्ट is true for n is equals to k plus 1, therefore by PMI result is true for all n belongs to natural number। ठीक है जी, सो ये अपने को जिहड़ा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है इन्हें फिर मैं दोबारा रिपीट कर दाँ। पहला स्टैप की होगा, पुट एन इज इक्वल टू वन, आप स्टेटमेंट को वेरीफाई कराया करांगे वो एन इज इक्वल टू वन से ट्रू है। सैकंड स्टैप आप ज्यूम कराया करांगे, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के वेयर के इज लैस दैन एन। ठीक है, तो थर्ड स्टैप के आप फिर रिजल्ट प्रूव करांगे कि वह के प्लस वन वास्ते ट्रू होगा। ठीक है, तो फिर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अपने को जो रिजल्ट है फॉर ऑल एन बिलोंगस टू नैचुरल नंबर वास्ते ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो अपने को आप एक्सरसाइज से चलते हैं, एक्सरसाइज 4.1 इन द फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की है वन प्लस थ्री प्लस थ्री द स्केयर प्लस थ्री रेज टू पावर एन माइनस वन, इन्हों आप कहते इक्वल प्रूव करना है थ्री रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन टू दे। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंगस टू नैचुरल नंबर। ठीक है, सब तो पहले स्टैप पर चलते हैं,
put n is equals to 1. So left hand side de vich ek ta 3 is to power 1 minus 1, theek hai, 1 aa gaya. ए nth टर्म दे विच आपां एन वन भर लेनी है जां इहदी फर्स्ट टर्म की है वन है, ठीक है. सो जिवें तुहानूं ईजी लगता है, जे फर्स्ट टर्म चकनी हो चक सकते हो, जे nth टर्म दे विच तुसीं वैल्यू भरनी है तो वह भर सकते हो. राइट हैंड साइड दे विच हुण इहदी राइट हैंड साइड अपने कोल ए है 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 अपॉन 2 आ जाना, ए भी की आ गया 1 आ गया, ठीक है. सो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, देयर फोर रिजल्ट इज 2 for n is equals to 1, ठीक है जी. अगे स्टेप सेकंड, लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज 2 for n is equals to k, वेयर k इज लेस देन n, ठीक है. हम अपने को जी स्टेटमेंट गिवन है उनके विच अपना एन की जगह पे के फिल कर लेना, ठीक है जी. सो ये अपना स्टेप सेकंड हो गया. स्टेप थर्ड दे विच नाउ विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1. हुण आपां की प्रूव करना है, आपां अपने कोल ना स्टेटमेंट दे विच जिथे एन आई है उत्थे एन नू रिप्लेस कर देना आपां के प्लस 1 नाल, ठीक है जी. सो ये कैंसल आउट होगी टर्म, ये की रह गई अपने कोल टर्म थ्री रेज़ टू पावर के, ये आपां प्रूव करना हुण. ठीक है जी, ये आपां प्रूव करना हुण इहदी लैफ्ट हैंड साइड लै लईए, आ जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड अपनी ये लै लईए. हुण थ्री रेज़ टू पावर के तो पहला किहड़ी टर्म आएगी अपने कोल, थ्री रेज़ टू पावर के माइनस 1, इहदी वैल्यू आपां सैकंड स्टैप दे विच कैलकुलेट कीती हुई है, ठीक है. सो इहदी वैल्यू की अपने कोल, जे आपां इत्थे लिखिए इहदी वैल्यू की आई है 3 रेज़ टू पावर के माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर के, ठीक है. ये अपने कोल सैकंड स्टैप दे विच आलवेज जिहड़ी इहदे तों पहला टर्म आऊगी वह उन्हां दा सम है जिहड़ा, वह अपने कोल सैकंड स्टैप दे विच आया होगा, जिहड़ा आपां n इज इक्वल्स टू के वास्ते मान के चलने हुंदे आ भी ये जिहड़ा रिजल्ट है ट्रू होगा n इज इक्वल्स टू के वास्ते. सो वह आपां जिहड़ी चीज़ ट्रू है उहदी वैल्यू फिल करती इत्थे, ठीक है. हुण इहनूं सिंपलीफाई कर लईए, एलसीएम लै लईए, 2 ते 1 दा अपने कोल 2 आ गया, ठीक है. जां इहनूं कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2 इंटू 3 की पावर के, इंदे अगे 1 है, लाइक टर्म्स ऐड सबट्रैक्ट 1 ते 2, 3 इंटू 3 की पावर के आ गया है, ठीक है. सो आ मैं थोड़ा जिहा दसदा किवें होया इन्हां दा जोड़, इन्हां नूं मैं ऐड कीता 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर के, 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर के, कॉमन कढ़ ली 3 रेज़ टू पावर के, अंदर की रह गया 1 प्लस 2 रह गया, ये 3 रेज़ टू पावर के इंटू 3 आ गया. सो 3 नूं मैं अगे लिख लिया, ठीक है जी. सो बेस सेम है, पावर ऐड हो जानी है, यही अपना बचो विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही अपना प्रूव करना सी. सो दस बाय PMI. सो रिजल्ट की है, रिजल्ट ट्रू हो गया फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1. दस बाय PMI रिजल्ट इज 2 for all n belongs to natural number, ठीक है जी. सो बच्चों ये अपने कोल सीगा फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडा, ठीक है. सैकेंड क्वेश्चन करते हैं, सैकेंड क्वेश्चन की बा की अपने कोल, ए सम ऑफ जिहड़ा
क्यूब्स ऑफ नैचुरल नंबर का सम है, ठीक है, नैचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम है अपने को, ठीक है। फॉर्मूला पर पहला भी कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अपने को 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब सो ऑन, एन द क्यूब इक्वल प्रूव करनी है अपना, एन एन प्लस वन अपॉन टू होल स्केयर इक्वल अपना प्रूव करनी है, ठीक है। चलो करते हैं, सब तो पहला स्टेप थोड़े को सब तो पहला स्टेप पुट एन इज इक्वल्स टू वन, सो सब तो पहला लैफ्ट हैंड साइड इन एन वन वन की क्यूब कह लो वन आ गया, ठीक है जी, ठीक है। राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लिए, इधर वन वन प्लस वन अपॉन टू होल स्केयर, ठीक है। ये वन टू अपॉन टू होल स्केयर, टू नाल टू कैंसल, वन द स्केयर की आ गया, वन ही आ गया, सो बोथ साइड्स आर इक्वल, साइड कहते इक्वल आ गई राइट हैंड साइड दे, ठीक है। इतने तुम लिख लेनी है वर्डिंग, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। स्टेप टू इन्दे विच आपां की पुट करीदा, एन इज इक्वल टू के, ठीक है। सो इन्दे विच आपां की करांगे हुण, जिथे जिथे एन आई है उत्थे उत्थे के फिल कर दांगे, ठीक है जी। अगले स्टेप दे विच आपां की प्रूव करना हुंदा, स्टेप थर्ड पुट एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, ये आपां प्रूव करनी हुंदी है, ठीक है। जिथे जिथे एन आई है उत्थे उत्थे आपां रिप्लेस कर देना के प्लस वन दे नाल, इत्थे आई है बच्चे हुण, मतलब आ स्टेटमेंट दे विच अपने कोले जिथे जिथे एन आई होएगी, एक तो इत्थे एन आई है, एक इत्थे आई है, एक इत्थे आई है, तीन जगह ते एन आई है, सो आपां उन्हां तिना जगह ते एन की जगह ते की लिख देना मैं के प्लस वन, जिथे इत्थे एन इज इक्वल्स टू के लिखिया सीगा, इस के की जगह ते के प्लस वन आ गया, इस के की जगह ते के प्लस वन आ गया, इस के की जगह ते के प्लस वन, नाल प्लस वन पिया वो एज इट इज अपॉन टू द होल स्केयर। हुण ए थोड़ा जिहा आपां जे सिंपलीफाई करके लिखना होवे, ए के प्लस वन अंदर वन ते वन ऐड हो गए, के प्लस टू अपॉन टू होल स्केयर, ये आपां प्रूव करना, ठीक है जी। सो इन दी लैफ्ट हैंड साइड ले लिए आपां, वन क्यूब प्लस टू क्यूब सो ऑन, के प्लस वन क्यूब, के प्लस वन तो पहला की होंगे अपने को बच्चों के आएगा, जिम्मे आप पहला भी गल की है, सो ए वैल्यू अपने को जी सैकंड स्टैप दे विच ये केंद्र इक्वल अपने को सैकंड स्टैप हूँ यूज करके, के के प्लस वन अपॉन टू सारे दे स्केयर दे इक्वल है प्लस, ठीक है। यह यूजिंग सैकेंड स्टैप, ठीक है जी। इन्दे विचों हुण स्केयर ओपन कर दिए, इत्थे के दा स्केयर आ गया, इत्थे के प्लस वन दा होल स्केयर आ गया, नीचे टू दा स्केयर फोर आ गया, इन्हां विचों कॉमन कढ़ीए हुण, के प्लस वन दा स्केयर कॉमन आ रहा, इत्थे अंदर की रह जाणा के स्केयर अपॉन फोर रह जाना, इतों क्यूब दे विचों स्केयर बाहर चला गया, के प्लस वन रह गया, फिर एलसीएम ले लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जां तुसीं एलसीएम लैके भी कर सकते हो, नीचे फोर के स्केयर फोर मल्टीप्लाई हो जाना, फोर के प्लस फोर ए फोर नू टू इंटू टू इंटू के लिख लिए, इतने फोर नू टू स्केयर लिख लिए अपॉन सारे दे फोर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला बन गया बच्चे, ये के प्लस टू का होल स्केयर बन गया, नीचे फोर नू मैं टू का स्केयर लिख लिया। अगले स्टैप दे विच मैं की किया, ए टू का स्केयर है सारे दे उपर सारिया टर्म्स का होल स्केयर बन गया, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही अपना प्रूव करना सीगा, ठीक है जी। सो अगे तुसीं लिख लेना वा जिहड़ियां वर्डिंग मैं पहला पिछले क्वेश्चन दे विच यूज़ की है, वर्डिंग तुसीं वो यूज़ कर लेनी है, ठीक है। ये तुहाडा सैकंड क्वेश्चन हो गया, अगे नैक्सट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ते चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट की अपने को बच्चे,
ओवर वन प्लस टू वन प्लस टू प्लस थ्री सो ऑन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन, ठीक है जी, विच इज इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है टू एन अपॉन एन प्लस वन दे, ठीक है टू एन अपॉन एन प्लस वन दे, ठीक है जी। सो फिर वही सब तो पहला स्टेप पुट एन इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। सो ए चाहिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो वन, जै इस तरह लिख लो जा, और ये nth टर्म इतने की है एन, ये वन अपॉन वन ये वन ही आ जाना अपने को, ठीक है। राइट हैंड साइड इन्दे विच एन की जगह पर आप वन फिल कर लिए, वन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड कहते इक्वल आ गई राइट हैंड साइड दे। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, ये लाइन लिख लेनी है तुसी। स्टेप सेकंड पुट एन इज इक्वल टू के वेयर के इज लैस दैन एन, ठीक है जी। हूँ जिथे जिथे एन आई है, जिथे जिथे एन आई है उत्थे उत्थे आपां रिप्लेस कर देना एन नू के नाल। सो ए रिजल्ट अपने को जो आप मान के चलते होंने ट्रू है। हूँ अगला स्टैप दे विच आपां प्रूव करना होंदा, ठीक है, जो रिजल्ट ट्रू होगा एन इज इक्वल टू के प्लस वन दे स्टेटमेंट दे विच जिथे जिथे एन आई होंदी है उत्थे उत्थे आपां की करते हैं नू रिप्लेस कर देने होंने के प्लस वन नाल। जिमें इतने हम के आया इनकी जगह तो इतने की आजगा के प्लस वन, इधर भी के प्लस वन जी स्टेटमेंट होंगी अपने को एन वाली उनके एन की जगह तो के प्लस वन आ जाता प्लस वन। इन आप जो लिखना हो थले जुड़ जाएंगे वन तो वन। सो आप प्रूव करना है, ठीक है। आप इनकी लैफ्ट हैंड साइड ले लीए स्टैप थर्ड की जी अपने को स्टेटमेंट बनी है वन अपॉन वन प्लस टू हूँ इन तो पहला कि टर्म आएगी बच्चे जी अपने को सैकंड स्टैप के लास्ट से आई होंगी है। सैकंड स्टैप के लास्ट के अपने को इन्हें तो पहला के प्लस वन तो पहला के आएगी प्लस ठीक है। सैकंड स्टैप के देखो इनकी वैल्यू अपने को किन्दे बराबर है, ठीक है। सो ए अपने को इक्वल है टू के अपॉन के प्लस वन दे इतने वैल्यू लिख दी इनकी, इधर तुहाडे कोले फॉर्मूला बन जाना, ठीक है। आप फॉर्मूला पिछे करके आए हैं वन प्लस टू प्लस थ्री एन ए कहते इक्वल होंगे एन एन प्लस वन अपॉन टू दे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पिछे स्टार्टिंग किया। सो इतने वो फॉर्मूला अपलाई आ जाएगा, इतने एन की वैल्यू तुहाडे कोले के प्लस वन है, ठीक है। फॉर्मूले के एन रिप्लेस कर दो के प्लस वन, के प्लस वन एक प्लस वन नाल पे अपॉन टू, इधर डिनोमिनेटर कॉमन आता पाया है कॉमन कर लिए पर टू के रह गया आ टू है जोड़ा उपर चला जाएगा नीचे के प्लस टू रह गया अपॉन वन, ठीक है। उपरों टू कॉमन आता पाया टू टू उपरों भी कॉमन कर लिए अंदर की रह गया तेरे को के प्लस वन अपॉन के प्लस टू ओवर वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए टू अपॉन के प्लस वन ए के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन आ गया अपॉन के प्लस टू आ जाएगा वन वन का स्केयर बना लिए ये फॉर्मूला बन गया के प्लस वन होल स्केयर का नीचे के प्लस वन तो
के प्लस टू आ कैंसल आउट हो गए, ये तुहाडे कोले की बन गया टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू, यही आप प्रूव करना सीगा। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन आपां विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वर्डिंग जिमें आप स्टार्टिंग दे एक दो क्वेश्चन दे लिखी है वो तो सही लिख लेनी है। ठीक है जी, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों ये होमवर्क है, ट्राई करियो ये। ठीक है, सो ये ट्राई करना, उम्मीद है तुसी इन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इजी है, सेम इसे तरह ही करना है। ठीक है, जिमें आप फर्स्ट थ्री क्वेश्चन कीते हैं, बाकी जिमें जिमें अगले क्वेश्चन करांगे तुहानू होर क्लीयर होंदा जाऊगा किवें क्वेश्चन नू सॉल्व करना। हाँ जी, अगे फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बच्चों मैं तुम्हें थोड़े थोड़े क्वेश्चन जोड़े होमवर्क भी दूंगा ता कि तुहाडी भी प्रैक्टिस होवे, तुहानू भी पता लगे क्वेश्चन किवें सॉल्व करना। वन इंटू थ्री, टू इंटू थ्री स्केयर, थ्री इंटू थ्री क्यूब, सो ऑन, एन इंटू थ्री रेज टू पावर एन, इन आप कहते इक्वल प्रूव करना। टू एन माइनस वन, थ्री रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर दे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देखना। सब तो पहला स्टेप, पुट एन इज इक्वल्स टू वन, सो लेफ्ट हैंड साइड अपने को वन इंटू थ्री की पावर वन, ये थ्री आ जाना। राइट हैंड साइड के एन फिल की वन, अपॉन फोर, ये टू माइनस वन वन। ठीक है जी, ए थ्री द स्केयर नाइन प्लस थ्री अपॉन फोर, 12/4, थ्री आ गई दोवें साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी थ्री आ गई, राइट हैंड साइड भी थ्री आ गई। दस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू वन। स्टेप सेकंड, पुट एन इज इक्वल्स टू के, सो लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के, लाइन लिख लेनी है। जिथे जिथे एन आई है उत्थे आपां रिप्लेस कर देना के दे नाल स्टेटमेंट दे विच। अगे स्टेप थर्ड, सो ए तुहाडे कोल की आ जाऊ वन इंटू थ्री, टू इंटू थ्री का स्क्वेयर, सो ऑन, जिथे जिथे के आई हूँ आप रिप्लेस कर देना के प्लस वन, सॉरी जिथे जिथे एन आई है स्टेटमेंट दे विच उन्हों आप रिप्लेस कर देना के प्लस वन दे नाल। सो इतने आप की प्रूव करना आया है, टू के प्लस टू माइनस वन, थ्री रेज टू पावर के प्लस टू प्लस थ्री अपॉन फोर, जो सारे थले है ओवर के बच्चे हैं। ये चीज़ आप प्रूव करनी हूँ, आप लैफ्ट हैंड साइड ले लीए आ जी चीज़ आप प्रूव करनी है। वन इंटू थ्री, टू इंटू थ्री स्केयर, सो ऑन, के प्लस वन, थ्री रेज टू पावर के प्लस वन, इन्हें तो पहला कि टर्म आएगी बच्चे हो के इंटू थ्री रेज टू पावर के, सो इन सैकंड स्टेप के आप वैल्यू कैलकुलेट की हुई है कि जी बराबर अपने को टू के माइनस वन, थ्री रेज टू पावर के प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर दे। ठीक है, सो इन वैल्यू आप जी सैकंड स्टैप के लै ली वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है, सो इधर के प्लस वन, थ्री रेज टू पावर के प्लस वन आ गया अपने को। ठीक है, हूँ आप सिंपलीफाई करिए,
इन्हें नीचे वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, जहाँ और इन अदर वर्ड्स ए टर्म टू के माइनस वन थ्री रेज टू पावर के प्लस वन प्लस थ्री एज इट इज आ फोर मल्टीप्लाई हो जाना नीचे फोर इंटू वन फोर। ठीक है जी, अगे नैक्सट हूँ ए लाइक टर्म्स आ इंदे विच्चों टू के माइनस वन प्लस फोर के प्लस फोर इंटू थ्री रेज टू पावर के प्लस वन प्लस थ्री एज इट इज अपॉन फोर। ये टू के ते फोर के ऐड हो गए सिक्स के आ गया, फोर दे विच्चों वन सबट्रैक्ट किए थ्री आ गया इंटू थ्री रेज टू पावर के प्लस वन प्लस थ्री होल सारे दे ओवर फोर। थ्री कॉमन कर लिए अंदर टू के प्लस वन रह गया अपॉन फोर, बेस सेम है रकम प्रोडक्ट च पाइया आ पावर ऐड हो जानिया के प्लस वन ते वन के प्लस टू बन जाना। यही आपां प्रूव करना सी। ठीक है जी, सो आ वन ते वन है जिहड़े टू बन गए। ठीक है, ए के प्लस वन ते प्लस वन हो जाने सी विच इज इक्वल्स टू के प्लस टू, सो वही आपां इत्थे लिखे। ठीक है जी, सो ए राइट हैंड साइड दे इक्वल आ गया, दस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। सो बाय ए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर जिहड़ा फिफ्थ हो गया। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर सिक्स है जिहड़ा वो ट्राई कर रहा तुसी, होमवर्क है तुहाडा, सिक्स सैवंथ होमवर्क है, ट्राई करने है ये भी ट्राई करना है एटथ भी। ठीक है, नाइन्थ से चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। वन ओवर टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन एट सो ऑन प्लस वन अपॉन टू रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन टू रेज टू पावर एन। ठीक है जी, सो ये अपना प्रूव करना रिजल्ट। सो सब तो पहला इन फर्स्ट स्टेप की गल करते हैं, पुट एन इज इक्वल्स टू वन, सो लेफ्ट हैंड साइड वन ओवर टू रेज टू पावर वन, वन ओवर टू आ गया। राइट हैंड साइड दे विच वन माइनस वन बाय टू, ये भी वन बाय टू आ जाना, वन दे विचों हाफ सबट्रैक्ट किया हाफ रह जाना, सो लेफ्ट हैंड साइड है जी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, दस रिजल्ट इज टू फॉर एन इज इक्वल्स टू वन। स्टेप टू, पुट एन इज इक्वल्स टू के वेयर के इज लैस दैन एन। सो हुण जिहड़ी स्टेटमेंट आपां नूं गिवन आ उहदे विच एन नूं रिप्लेस कर दिए आपां के दे नाल। हुण अगला थर्ड स्टैप, पुट एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, ये आपां प्रूव करनी है बच्चे। जिथे जिथे एन आई है उत्थे रिप्लेस कर दिए के प्लस वन नाल। ठीक है, ये आपां प्रूव करना हुण, इहदी लैफ्ट हैंड साइड लै लईए जिवें आपां पहलां कीता क्वेश्चन दे विच। ठीक है, इहदे तों पहलां किहड़ी टर्म आएगी, वन ओवर टू रेज टू पावर के। ठीक है, ये सैकेंड स्टैप दे विच अपने को कहते इक्वल आया वन माइनस वन अपॉन टू रेज टू पावर के प्लस। ठीक है, ये यूजिंग सैकेंड स्टैप। ठीक है, ये टर्म एज इट इज ही नाल। ठीक है, हुण इहनूं सिंपलीफाई करिए, इहनूं मैं ब्रेक करके लिख लिया। ठीक है, अपने को फॉर्मूला होंदा
ला ऑफ एक्सपोनेंट ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਈ ਆਹ ਟਾਂ ਕੋਮਨ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕੋਮਨ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨ ਬਾਏ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ, ਵਨ ਬਾਏ ਟੂ ਫਿਰ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਓਵਰ ਟੂ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਦਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਫੋਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ, ਹੈਂਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫੋਰ ਆਲ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਨਥ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਅੱਗੇ ਟੈਂਥ ਇਲੈਵਨਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਥ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਲੈਵਨਥ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਵਨਥ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਵਨਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਫਸਟ, ਪੁੱਟ ਐਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵਨ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਨ, ਵਨ ਪਲੱਸ ਵਨ, ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਆ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ ਫਿਲ ਵਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਨ ਇੰਟੂ ਫੋਰ ਅਪੋਨ ਫੋਰ ਇੰਟੂ ਟੂ ਇੰਟੂ ਥ੍ਰੀ, ਫੋਰ ਨਾਲ ਫੋਰ ਕੈਂਸਲ, ਨੀਚੇ ਥ੍ਰੀ ਟੂ ਦਾ ਸਿਕਸ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਨ ਬਾਏ ਸਿਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਦੂਸਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਐਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੇ, ਕੇ ਇਜ਼ ਲੈੱਸ ਦੈਨ ਐਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਸਟੈਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਪੋਨ ਫੋਰ, ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਆ ਜੂਗਾ, ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਥ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਫੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਫੋਰ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਜੂਗੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਹ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ ਵਨ ਅਪੋਨ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ, ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ, k
प्लस थ्री, इन्हें तो पहला कि टर्म आएगी बच्चों जी अपने को सैकेंड स्टैप के लास्ट से लैफ्ट हैंड साइड की लास्ट से आई होंगी, इन्हें तो पहला कि टर्म अपने को बनेगी के के प्लस वन के प्लस टू जगह तो एक एक टर्म्स जीडिया पहल के प्लस वन तो पहला के आऊगी, के प्लस टू तो पहला के प्लस वन आऊगी, के प्लस थ्री तो पहला एक टर्म कि आऊगी के प्लस टू, इनकी वैल्यू अपने को जी सैकंड स्टैप के आप कैलकुलेट की होंगी है जी आप अज्यूम किया होंगे रिजल्ट एन इज इक्वल टू के वास्ते ट्रू होगा वो रिजल्ट आप लै लेना इतने वो अपने को आ जाएगा बच्चे के के प्लस थ्री अपॉन फोर के प्लस वन तो के प्लस टू, एक बार फिर भी आप चेक कर लें सैकेंड स्टैप के प्लस थ्री अपॉन फोर के के प्लस वन के प्लस टू, ये अपने को वैल्यू आ गई प्लस वन अपॉन के प्लस वन के प्लस टू तो के प्लस थ्री आ गई है जिहड़ियां टर्म्स कॉमन आ रही है कॉमन कर लिए डिनोमिनेटर दे विचों की कॉमन आ रहा के प्लस वन तो के प्लस टू कॉमन आ रहा, एक आ कॉमन आ रहा एक आ अपने को कॉमन आ रही टर्म्स अंदर की रह गया के के प्लस थ्री अपॉन फोर रह गया अंदर की रह गया वन अपॉन के प्लस थ्री रह गया, हूँ इन आप सिंपलीफाई करिए क्रॉस मल्टीप्लाई उपर के इंटू के प्लस थ्री का होल स्केयर बन जाना फोर इंटू वन फोर नीचे इन्हों की प्रोडक्ट, ठीक है जी अगे सिंपलीफाई करिए हम अंदर अपने को की रह जाना के स्केयर प्लस थ्री का स्केयर प्लस टू इंटू के इंटू थ्री प्लस फोर ओवर फोर के प्लस थ्री, ठीक है जी के क्यूब प्लस थ्री द स्केयर नाइन के थ्री टू द सिक्स के इंटू के स्केयर प्लस फोर अपॉन फोर के प्लस थ्री आ गया अपने को के क्यूब प्लस सिक्स के स्केयर प्लस नाइन के प्लस फोर अपॉन फोर के प्लस थ्री आ गया, ठीक है हुण आपां जिहड़ी चीज़ प्रूव करनी सी आपां प्रूव कहिंदे इक्वल करना सी इहनूं आपां इहनूं प्रूव करना सी के प्लस वन के प्लस फोर अपॉन फोर के प्लस टू के प्लस थ्री अपना इन्दे इक्वल जिहड़ा वह प्रूव करना सी हुण इन्दे आपां क्यूबिक टर्म नूं आ इहनूं सिंपलीफाई करिए इन्दे फैक्टर बना लीए ठीक है, पहला इन्दे विच के आपां वन फिल कीते तां कुछ नहीं बनना माइनस वन फिल करके वेखिए माइनस वन दी क्यूब सिक्स माइनस वन का स्केयर प्लस नाइन इंटू माइनस वन प्लस फोर प्लस सिक्स आ जाना माइनस नाइन प्लस फोर सिक्स से फोर टेन हाँ ये जीरो आ गया देयर फोर के इज इक्वल्स टू माइनस वन इज रूट ऑफ वन, ठीक है जी सो अगे नैक्सट हूँ इन्दे आपां जिहड़ियां बाकी रूट किवें फाइंड करने आ ध्यान नाल देखना बच्चे इत्थे जिहड़े कोफिशेंट है पहला क्यूब वाली टर्म दा फिर स्केयर वाली टर्म दा सिक्स फिर के जिहड़ी लीनियर है के एक पावर वाली टर्म दा कोफिशेंट ते लास्ट ते कॉन्सटेंट तो इतने जिहड़ी वैल्यू ने इनू जीरो बनाया हुंदा वह लिख लेनी है माइनस वन आ वन एज इट इज़ ही आ जाना, ठीक है
आ वन एज इट इज़, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, माइनस वन वन नाल मल्टीप्लाई किया माइनस वन, ठीक है जी, ये ऐड कर देने हैं, ये फाइव आ गई, माइनस वन फाइव नाल मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव, ये ऐड कर देने हैं, नाइन माइनस फाइव फोर आ गए, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, ये ऐड कर देने हैं, जीरो आ गया, ये थोड़ा जिहड़ा के स्केयर का कोफिशेंट आ गया, ये के दा आ गया, तो यह कॉन्सटेंट का आ गया। कहने का मतलब की होया तुहाडे कोल ये जिहड़ी टर्म है ये किंदे इक्वल आ गई, एक तो के इज़ इक्वल्स टू माइनस वन आया सी तुहाडे कोल, इहनू दूसरे पासे लै जांगे ये प्लस वन हो जूगा, ठीक है, एक तो के प्लस वन आ गई, एक इत्थे के स्केयर का कोफिशेंट वन आ, के स्केयर प्लस फाइव के प्लस फोर, ठीक है जी। सो ये तुहाडे कोल इहदे जिहड़े आ आपां फैक्टर बना ले, गां फरदर फिर फैक्टर बनते पे आ, ठीक है, ये फैक्टर किंदे बने आ तुहाडे कोल, आ जिहड़ी क्यूबिक अपने कोल पॉलीनोमियल आ इहदे, ये अपने कोल एक किंदे एक फैक्टर बनाए आपां के क्यू प्लस सिक्स के स्केयर प्लस नाइन के प्लस फोर दे, ठीक है, ये फोर के प्लस वन के प्लस फोर आ गया, इन्दे विचो के कॉमन, अंदर के प्लस फोर, इन्दे विचो वन कॉमन, के प्लस फोर, सारे दे विचो के प्लस फोर कॉमन, अंदर के प्लस वन, ठीक है। सो ये आपां इन्दे जिहड़े फैक्टर बना ले, तुसीं बच्चों डिवाइड करके भी बना सकते हो, ठीक है। हुण के इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो अपने कोल इह पोलीनोम क्यूबिक पोलीनोमियल जीरो बनिया सी, तुसीं की कर सकते सीगे, तुसीं इहदे फैक्टर के प्लस वन नूं बाहर रख के अंदर के क्यू प्लस सिक्स के स्केयर प्लस नाइन के प्लस फोर, इस तरह भी इहदे जिहड़े तुसीं फैक्टर जिहड़े उह बना सकते सी, जिवें तुसीं नाइनथ क्लास दे विच ते टैंथ च सिखे हुए आ। सो इह अपने कोल किहदे इक्वल आया बच्चे, उह इत्थे हुण मैं फिल करन लगा क्यूबिक पॉलीनोमियल दे फैक्टर, ये के प्लस वन, के प्लस फोर, तो के प्लस वन दे इक्वल आया अपॉन फोर इंटू के प्लस थ्री, हुण कैंसल आउट हो गया, हाँ तुहाडे कोल की बच गया के प्लस वन, के प्लस फोर अपॉन फोर, अगे लिख लीए आपां इहनूं के प्लस टू ते के प्लस थ्री, देखिए यही प्रूव करना सी आपां, हाँ जी बच्चे के प्लस वन के प्लस फोर, फोर के प्लस टू, उत्ते प्लस वन प्लस फोर आता पाया, नीचे प्लस टू प्लस थ्री आता पाया, ठीक है। सो यही आपां प्रूव करना सीगा। सो अपने कोल की है ये रिजल्ट है जिहड़ा ट्रू हो गया एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन वास्ते। सो बाई प्रिंसीपल ऑफ मैथेमैटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगस टू नैचुरल नंबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा जहा लेंथी सीगा, एक क्वेश्चन नंबर सी तुहाडा इलेवंथ, ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किवें करना। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, स्टेप पहला, ठीक है जी, इनकी मैं स्टेटमेंट नहीं लिखन लगा, चलो लिख लेने स्टेटमेंट, ए ए आर स्केयर सो ऑन, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन, ये जिहड़ा आपां सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर किया वा, ठीक है, उन्दे विच ये सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ जी पी है वैन आर इज़ ग्रेटर दैन वन, ठीक है, जिवें आपां मैं तुहानूं एग्जाम्पल्स दे विच अरिथमैटिक प्रोग्रेशन दा जिहड़ा सम ऑफ नैचुरल नंबर दा फॉर्मूला आपां यूजिंग जिहड़ा ए पी नूं यूज़ करके प्रूव किया सीगा, उवें ही हुण आपां प्रिंसीपल ऑफ मैथमैटिकल इंडक्शन दे नाल जिहड़ा जी पी दा सम दा फॉर्मूला फाइनाइट टर्म्स दा, वो आपां प्रूव करन जा रहे हैं। सब तो पहला उही पुट एन इज इक्वल्स टू वन, लैफ्ट हैंड साइड तुहाडे कोल की आ जानी है ए आर रेज टू पावर वन माइनस वन, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होंदी है ए आ गई, राइट हैंड साइड तुहाडे कोल की आ जाएगी ए आर रेज टू पावर वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये सेम टर्म कैंसल हो जाएगियाँ, ए आ गई, ये भी लैफ्ट हैंड साइड है जिहड़ी इन्दे इक्वल आ गई तुहाडे कोल राइट हैंड साइड दे, ठीक है जी। अगे स्टेप टू,
पुट एन इज इक्वल्स टू के, फिर के इज लैस दैन एन। हुण जिथे जिथे अपने को एन आई है उत्थे आपां रिप्लेस कर दिए, के नाल ठीक है। अगे थर्ड स्टेप ते चलिए, इन्दे विच आपां जिथे जिथे एन आई है उनू आपां रिप्लेस कर दिए के प्लस वन नाल। कैंसल आउट हो गए, सो आपां लैफ्ट हैंड साइड ले लिए। सो इत्थों बच्चे ध्यान नाल देखण वाला ए ए रेज टू पार के, इन्हें तो पहले कि टर्म आएगी बच्चे ए रेज टू पार के माइनस वन। सो इन वैल्यू अपना सैकंड स्टैप के कैलकुलेट की है कि अपने को ए आर द पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन प्लस ए टू आर रेज टू पार के। ठीक है जी, हूँ अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए की आ जाएगा तुहाडे कोले ए सिंपलीफाई करके नीचे आ जाऊगा। इनू वन नाल मल्टीप्लाई, ए आर के नू आर माइनस वन नाल मल्टीप्लाई, तो नीचे आर माइनस वन नू वन नाल मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अगे नैक्सट हूँ ए ए इंटू ए नू मल्टीप्लाई करता अंदर, उधर भी मैं ए नू है जिहड़ा ए आर रेज टू पर के नू मल्टीप्लाई करवाता। ठीक है जी, नीचे सारे दे आर माइनस वन आ कैंसल आउट हो गया टर्म्स। ठीक है, इन्दे विच्चों ए है जिहड़ा कॉमन कढ़ लिया अंदर आर दी के इंटू आर दी पावर वन रह गई, इतने माइनस वन रह गया ओवर आर माइनस वन रह गया, बेस सेम है पावर ऐड हो जानी है, तो आर रेज टू पर के प्लस वन आए ना अपॉन आर माइनस वन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही अपना प्रूव करना सीगा। ठीक है, सो अपने को रिजल्ट टू हो गया, एन इज इक्वल टू के प्लस वन वास्ते, दस बाई पी एम आई रिजल्ट इज टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। सो ये अपना 12 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 13 14 दे विच्चों एक करवाना मैं। ठीक है, 14 तुहाडा होमवर्क होगा। ठीक है, 13 मैं करवाण लगा, इन दे नाल दा भी 16 नाल दा भी आपां पहलां कर चुके हैं। ठीक है, ये भी तुहाडा होमवर्क होगा। 13 ते 15 है जिहड़े मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 ते आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 दी स्टेटमेंट लिख लिए, 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 1 प्लस 7 अपॉन 9 सो ऑन 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल्स टू कितने होगा ये एन प्लस वन होल स्केयर दे। ठीक है जी, सो ये अपना प्रूव करना रिजल्ट। सो सब तो पहला स्टेप, पहला पुट एन इज इक्वल्स टू वन, सो लेफ्ट हैंड साइड तुहाडे कोल की आ जाएगी वन प्लस टू इंटू वन प्लस वन अपॉन वन द स्केयर
विच इज़ इक्वल्स टू वन प्लस टू प्लस वन थ्री अपॉन वन। एक केड़ी टर्म यही पहली टर्म ही बनती है विच इज़ इक्वल्स टू वन प्लस थ्री फोर दे कोल आ गई। ठीक है राइट हैंड साइड कैलकुलेट करिए राइट हैंड साइड आ अपने को ठीक है इन्हें एन में रिप्लेस कर दिए वन नाल टू द स्केयर आ गया विच इज़ इक्वल्स टू फोर देयर फोर लैफ्ट हैंड साइड कहते इक्वल आ गई राइट हैंड साइड दे दस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू वन। सो स्टेप सेकेंड पुट एन इज इक्वल्स टू के वेयर के इज लैस दैन एन। ठीक है सो स्टेटमेंट वन प्लस थ्री अपॉन वन वन प्लस फाइव अपॉन फोर सो ऑन वन प्लस टू के प्लस वन अपॉन के स्केयर इज इक्वल्स टू के प्लस वन होल स्केयर। ठीक है जी सो जी स्टेटमेंट से अपने को एन एन रिप्लेस करता अपना के नाल। ठीक है ये आप एज्यूम किया होंगे सैकेंड स्टैप थर्ड स्टैप पुट एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। सो ये आप प्रूव करना होंगे वन प्लस थ्री अपॉन वन वन प्लस फाइव अपॉन फोर सॉरी सो ऑन वन प्लस टू इतने के की जगह पर के प्लस वन नीचे भी के प्लस वन का होल स्केयर इधर के प्लस वन होल स्केयर एक के प्लस टू होल स्केयर ये आप प्रूव करना आया। ठीक है इनकी लैफ्ट हैंड साइड ले लीए आप वन प्लस थ्री अपॉन वन वन प्लस फाइव अपॉन फोर सो ऑन वन प्लस इनू सिंपलीफाई करके लिखना हो टू के प्लस टू प्लस वन अपॉन के प्लस वन का होल स्केयर इन्हें तो पहले कि टर्म आएगी अपने को वन प्लस टू के प्लस वन अपॉन के का स्केयर। सो ये अपने को सैकंड स्टैप के जी वैल्यू आई है उनकी ये सैकंड स्टैप बन गया अपना। ठीक है ये कहते इक्वल अपने को प्लस वन होल स्केयर दे इधर अपने को बनया वन प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्केयर ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दी हूँ जो ओवर वन लगा के इनू आप एलसीएम लैके अंदर एडिशन कर दी इन्हों की ये के प्लस वन तो के प्लस वन होल स्केयर तो एलसीएम के प्लस वन स्केयर आ जाने इधर वन नू के प्लस वन स्केयर तो डिवाइड किया ये आ जाना इधर इनू डिवाइड किया वन ही आ जाना उपर वन नाल मल्टीप्लाई जा कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इधर आ कैंसल आउट हो गई टर्म्स इन सिंपलीफाई करिए ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन करिए। ठीक है जी फॉर्मूला लग गया इतने आ टू के प्लस थ्री एज इट इज़ नाल के स्केयर लाइक टर्म जैड सबट्रैक्ट टू के फोर के कॉन्सटेंट टर्म वन ते थ्री फोर सो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यही अपना प्रूव करना सी। सो यह रिजल्ट ट्रू हो गया एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन वास्ते दस रिजल्ट इज टू फॉर ऑल एन बिलोंगस टू नैचुरल नंबर। ठीक है जी अगे नैक्सट चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है जी ए सम ऑफ ऑड ए नंबर्स दे स्केयर दा सम है ही। ठीक है ये अपने को की है सम कादा वा ऑड नंबर्स दे स्केयर दा। ठीक है सो इनू आपां कहिंदे इक्वल प्रूव करना क्वेश्चन नंबर अपने को किन्ना है ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक दा स्केयर प्लस तीन दा स्केयर प्लस पांच दा स्केयर सो ऑन टू एन माइनस वन होल स्केयर आप इनू कहते इक्वल प्रूव करना है एन टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन अपॉन थ्री दे।
एन टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन अपॉन थ्री दे आप इक्वल प्रूव करना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फिर वही फर्स्ट स्टेप, पुट एन इज इक्वल्स टू वन लेफ्ट हैंड साइड वन द स्केयर वन ही आ जाना, जहाँ इतने वन भरोंगे टू माइनस वन 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 द स्केयर वन, सो लेफ्ट हैंड साइड अपने को वन ही आ जानी है, राइट हैंड साइड इन फिल किया वन टू माइनस वन आ जाना, ये टू प्लस वन आ जाना अपॉन थ्री वन इंटू थ्री अपॉन थ्री थ्री नाल थ्री कैंसल वन इंटू वन वन आ जाना, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी वह राइट हैंड साइड के इक्वल आ जानी है, ठीक है। सैकेंड स्टैप करिए हम स्टेप सैकेंड, सो पुट एन इज इक्वल्स टू के के लैस दैन एन, ठीक है जी, ए वन जिथे जिथे एन आई है उत्ते उत्ते अपना की करना रिप्लेस कर देना के दे नाल, अपॉन थ्री। हुण स्टेप थर्ड, पुट एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, ये अपना प्रूव करना होंदा जिथे जिथे के आई है उत्थे रिप्लेस कर देना के प्लस वन दे नाल, इत्थे भी के प्लस वन टू के प्लस वन माइनस वन टू के प्लस वन अपॉन थ्री। इन्हें सिंपलीफाई कर लिए थोड़ा जहा दोवां साइड्स नूं, दैट इज आपां की प्रूव करना वन द स्केयर ए टू के प्लस टू आ जाना टू माइनस वन वन आ जाना, सो इत्थे आ जाएगा इधर के प्लस वन, इधर सिंपलीफाई करके टू के प्लस टू आ जाना टू माइनस वन वन आ जाना, इत्थे टू के प्लस वन आजूगा सिंपलीफाई करके, इत्थे टू के प्लस टू तो प्लस वन ऐड हो जाएगा टू के प्लस थ्री आ जाएगा अपॉन थ्री। सो इन लैफ्ट हैंड साइड लीए कि चीज़ प्रूव करनी होती अपना लैफ्ट हैंड साइड ले ली, सो इन्हें तो पहले कि टर्म आनी होंगी है जी सैकंड स्टैप के अपने को आई होंगी है, ठीक है। टू के माइनस वन का होल स्केयर ए सैकंड स्टैप कहते इक्वल आ जाना अपने को टू के माइनस वन टू के प्लस वन अपॉन थ्री दे, ठीक है जी। सो इन्हें विचों कॉमन आ रहा अपने को टू के प्लस वन न्यूमरेटर के अंदर के टू के माइनस वन अपॉन थ्री रह गया, इत्थे टू के प्लस वन रह गया। हुण अंदर सिंपलीफाई करिए अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए थ्री आ जाना, ए टू के स्केयर माइनस के आ जाना इधर थ्री टू द सिक्स प्लस थ्री आ जाना टू के प्लस वन, लाइक टर्म्स एड सबट्रैक्ट कर लिए टू के स्केयर सिक्स के दे विचों के गए प्लस फाइव के प्लस थ्री अपॉन मिडल टर्म सबट्रैक्ट करके फैक्टर बना लिए, ठीक है। ये फैक्टर की बन गए इन्हों के थ्री के प्लस टू के प्लस थ्री ओवर थ्री, इन्दे विचों के कॉमन अंदर टू के प्लस थ्री, इन्दे विचों वन कॉमन अंदर टू के प्लस थ्री अपॉन थ्री, सारे दे विचों टू के प्लस थ्री कॉमन अंदर के प्लस वन अपॉन थ्री। चैक करिए आप प्रूव करना सी के प्लस वन टू के प्लस वन टू के प्लस थ्री अपॉन थ्री, हाँ यही आप प्रूव करना सी। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, दस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन इज इक्वल्स टू के प्लस सॉरी रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो so,
सो ये बच्चे तुहाडे अगले क्वेश्चन है जिहड़े ये तुसी एक दा आपां होर ट्राई कर लैने आ ठीक है इन्हां दे विच्चों ये ट्राई कर लैने आ तुसी ठीक है ये भी होमवर्क है तुहाडा ठीक है एक मल्टीपल वाला क्वेश्चन देख लैने आ जिवें क्वेश्चन नंबर 20 है मल्टीपल तो डिविजिबल वाला बच्चे सेम जे क्वेश्चन होंगे आ ठीक है जिवें क्वेश्चन नंबर अपने को क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 19 तो 20 है चलो 20 करते हैं आपां प्रूव करना है प्रूव 10 रेज टू पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 ये आपां प्रूव करना है ध्यान नाल देखना क्वेश्चन दैट इज आपां प्रूव करना है 11 डिवाइड्स इन्हों इंज रीड करना 11 डिवाइड्स ठीक है जी हुण सब तो पहला स्टेप सो डिवाइड करन दा मतलब की है 11 इन्हों कदों डिवाइड करूगा जदों यह 11 दे पहाड़े वाली रकम बन गई ठीक है सिंपल जी गल है मल्टीपल हो गया जो 11 दी यह टर्म सो इतने मल्टीपल आ जाए डिविजिबल आ जाए एक ही गल है ठीक है सो सब तो पहला तो अपने को इत्थे एन वन भरीए स्टेटमेंट दे विच पर माइनस वन इत्थे वन आ जाना ठीक है टेन इत्थे वन भरिया जदों ये 11 आ जाना 11 विच इज डिविजिबल बाय 11 सो 11 11 दे टेबल च आउंदा सो वंडिया जाऊगा डिविजिबल होऊगा सो दस रिजल्ट इज देयर फोर रिजल्ट इज 2 for n is equals to 1 result hai jada n is equals to 1 vaste true ho gaya step second so let us assume result is true for n is equals to k where k hai jehdi oh n ton badi hai choti hogi inda matlab ki hai kehnda matlab 11 hai jehda वो डिवाइड करूगा 11 किनू डिवाइड करूगा 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 ठीक है और इन अदर वर्ड्स और जे 11 इनू डिवाइड करूगा इट मीन ए टर्म्स है जिहड़ी वो 11 दा मल्टीपल बन जूगी जे कोई संख्या मान लो 2 8 नू डिवाइड करता है तो 8 अपने को 2 इंटू 4 आऊगा ठीक है सो 8 और 2 का मल्टीपल बनूंगा एवं 11 इन डिवाइड करता पाया वो 11 इंटू सम एम वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है जी एक चीज अपने को इत्थे ये आ गई अगे स्टेप थर्ड नाउ आपां की प्रूव करना है ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ 11 ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਰ 2k ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਰਮ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਇੰਟੂ ਸਮ ਐਮ ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ where m dash belongs to integer so a enu apan 2k plus 2 minus 1 plus 1 likh liya a apne kole aah aa gayi 10 raised to 2k plus 1 hun apan second step de vichon इनू जे आप अलग कर लिए 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 इनका बेस अलग अलग कर लिए जे आप 1 उधर ले जाइए
इलेवन एम माइनस वन बन गया अपने को, ठीक है। आ टेन है जिहड़ा ये उधर जाके जिहड़ा वह मल्टीप्लाई हो जूगा, ओवर दे विच होना सी इन्हें उधर मल्टीप्लाई हो जाना। सो अपने को इनकी वैल्यू की आ गई सैकेंड स्टैप तो, टेन इलेवन एम माइनस वन प्लस वन आ गई, ठीक है। टेन इलेवन एम तो नाल एक टेन मल्टीप्लाई पाया, ये भी अपना नाल लिखना, ठीक है जी। सो इन सिंपलीफाई करिए जे आप, ए 110 या कह लो 1100 एम माइनस 100 प्लस 1 ये 99 आ गया, 11 कॉमन कर लिए, ठीक है। सो इनू आप कोई एम डैश का नाम दे दिए। सो कह मतलब की होया आ जी टर्म अपने को लेफ्ट हैंड साइड है जी, जहाँ कह लो आ जी टर्म है जी वह 11 का मल्टीपल बन गई। सो जे ये 11 का मल्टीपल बन गई, इट मीन दैट इज जिहड़ा 11 है वह इनू डिवाइड कर गया, 2 बार आना है, ठीक है जी। सो यही आप प्रूव करना सी, ठीक है। अपना रिजल्ट है जिहड़ा वह के प्लस 1 वास्ते 2 हो गया, 10 बाय पी एम आई रिजल्ट इज़ 2 फॉर ऑल एन इज इक्वल्स टू नैचुरल, फॉर ऑल एन बिलोंगस टू नैचुरल नंबर। सो बच्चों ये क्वेश्चन आप इस तरह सोल्व करने हैं, ये जिहड़े थोड़े जिहे क्वेश्चन रह गए थोड़े, ये आप कोई 10-15 मिनट का लैक्चर लगा के अगले लैक्चर कर लेंगे। टिल दैन तुम ये प्रैक्टिस जरूर कर लेने, इन्हों सोल्व करन की जरूर कोशिश करनी है, ठीक है। सो ये थोड़ा जिहड़ा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये जिहड़ा वो कंप्लीट हो गया, थोड़े जो